कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत आपके लिए लेकर आई हूँ 6 से 12 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल। नया हफ्ता शुरू होने से पहले अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस साप्ताहिक राशिफल में मैं आपको आपके बहुत सारे सवालों का सीधा और सटीक जवाब दूंगी। राशि अनुसार दिए गए साप्ताहिक राशिफल से आप जान सकते हैं कि आपके लिए जो ये नया हफ्ता यानी आने वाला 7 दिन जो है आपके जीवन में कौन से नए 7 रंग लेकर आएगा, जीवन के कौन से पहलुओं पर आपको जो है इस हफ्ते ध्यान देना है, आपको खुश होने का कौन से पहलू मौका देंगे और साथ ही किन पहलुओं पर आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। ये सभी बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी जाती हैं जो आपके राशिफल के बारे में नहीं होती। जी हाँ, ये जानकारियां इस सप्ताह से जुड़ी हुई होती हैं, जिसके आधार पर ही हम राशिफल तैयार करते हैं, जैसे कि हिंदू पंचांग, इस सप्ताह होने वाले गोचर, कुछ जन्मदिन विशेष, जिसको अब हम आपके कहे अनुसार जो है इस वीडियो के आखिर में बताएंगे कि सप्ताह किन किन लोगों का जन्मदिन आता है। लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि हिंदू पंचांग यानी कौन कौन से 30 त्यौहार हैं, कौन कौन से गोचर हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 6 जुलाई से हो रही है, जबकि इस सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि यानी 12 जुलाई को होगा। इस सप्ताह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 6 जुलाई को सावन की शुरुआत होगी। सावन का पहला सोमवार मनाया जाएगा। इसके बाद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि 8 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद महीने के अंत में यानी कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी यानी कि 12 मार्च को शीतला सप्तमी का पर्व रखा जाएगा। आपको पता ही है कि चातुर्मास का प्रारंभ हो चुका है, यानी सारे जो भी शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित हो गए हैं आने वाले 5 महीनों के लिए। 1 जुलाई से चातुर्मास का प्रारंभ हुआ है। तो गोचर की बात कर ले तो इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर के अलावा और किसी बड़े ग्रह का गोचर नहीं है। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसके आधार पर ही हम आपको आपका राशिफल तैयार करेंगे, यानी सिर्फ इस बार जो है चंद्रमा के गोचर का ही प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो अभी हम आपको बताएंगे आपका राशिफल, लेकिन जो है वीडियो के अंत में आपको जानकारी देंगे हम जन्मदिन विशेष के बारे में, जो आपका फेवरेट सेगमेंट होता है, यानी कि आपको कौन से लोगों का जन्मदिन आता है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आपके जो है निवेदन पे ही, आपके रिक्वेस्ट पे ही पहले हम आपको आपका राशिफल बता देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में मिथुन राशि के जातकों के बारे में। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में होंगे, इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आप घर से बाहर भोजन करते हैं तो ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस अवधि में आपको योग, ध्यान और व्यायाम के जरिए अपने स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए। इस राशि के उन विद्यार्थियों के लिए गोचर अच्छा रहेगा जो रिसर्च से जुड़े कार्य कर रहे हैं। आपको अपने गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में आ रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस भाव को भाग्य भाव भी कहा जाता है, इसीलिए भाग्य का इस दौरान आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। जो भी काम बीते समय में पूरे नहीं हो पाए थे उन्हें भी आप इस दौरान पूरा कर सकते हैं। इस राशि के कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव जब आपके दशम भाव में होंगे तो करियर को एक नई दिशा मिल सकती है। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं उन्हें नया रोजगार प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपके पिता के साथ संबंध जो है वो मधुर होंगे, जिससे पूरे घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। प्रेमी जातकों की बात करें मिथुन राशि के, तो जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हैं वो अपने लवमेट को रिझाने की हर संभव कोशिश कर सकते हैं सप्ताह। यदि आपका संगी किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहा है तो किसी तरह का सरप्राइज इस हफ्ते उन्हें दे सकते हैं, जिससे उनका मूड सही हो सकता है। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए सप्ताह बहुत ही बेहतरीन रहेगा। नवविवाहित के जीवन में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। भावनात्मक रूप से आप अपने जीवन साथी के और करीब आएंगे। उपाय के तौर पर 10 साल से जो छोटी कन्याएं हैं उनको उपहार दें, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा आने वाला 7 दिन राशि चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन के लिए, जिसे अंग्रेजी में जेमिनी कहते हैं। तो ये जानकारी 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच की आपकी राशि के बारे में थी। अभी जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कौन कौन से 30 त्यौहार हैं, वैसे ही हम आपको बताएंगे कि जन्मदिन किन किन खास हस्तियों का आने वाला है। इस सप्ताह कुछ नामचीन सितारों का जन्मदिन है। सबसे पहले 6 जुलाई को रणवीर सिंह का जन्मदिन है। पूजा गुप्ता, श्वेता त्रिपाठी का जन्मदिन भी 6 जुलाई को ही है।
इसके बाद 7 जुलाई को कैलाश खेर जो कि एक संगीतकार हैं, मनजोत सिंह और महेंद्र सिंह का जन्मदिन होता है। 8 जुलाई को रेवती और नीतू सिंह का जन्मदिन होता है। 9 जुलाई को गुरुदत्त जो पुराने जमाने के अभिनेता रह चुके हैं। 10 जुलाई को आलोकनाथ राघव जुयाल का जन्मदिन होता है। 11 जुलाई को पारस छाबड़ा का और 12 जुलाई को परवीन डबास और एल्विन शर्मा का जन्मदिन होता है। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कुछ ऐसे बर्थडेज हैं जो इस सप्ताह में आने वाले हैं। इनकी कुंडली देखना चाहते हैं इनमें से किसी के, अगर आप फैन हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इनकी कुंडली देख सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियां 6 से 12 जुलाई से जुड़ी हुई थी। ये सारी जानकारियां जो है आपके इन 7 दिनों के बारे में थी। अगर ये जानकारियां पसंद आई हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बाकी जो भी 30 त्यौहार है उनकी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, साथ ही जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी एक बात का खास ध्यान रखिए, अनलॉक फेज 1 चल रहा है, बहुत चीजों में छूट मिल चुकी है, लोग जो है अब आना जाना शुरू कर चुके हैं, ऑफिसेज जा रहे हैं, धीरे धीरे अपने जो है रेगुलर लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि वायरस जो है वो खत्म नहीं हुआ, इसीलिए आपको जो है अपनी हेल्थ का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहने, सैनिटाइजर रखें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहें, क्योंकि अपनी सेहत को प्राथमिकता देकर ही आप जो है इस कष्टमय समय से बच सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। तो ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।